हेलो दोस्तों, मैंने सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज शुरू करी थी और इसमें हमने दो वीडियोस कवर कर ली हैं, जिसमें से एक वीडियो है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी एंड इट्स नेचर क्या है, और दूसरी वीडियो थी कल्चर के ऊपर कि कल्चर क्या होता है और साथ ही साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी, ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इवन, दैट इज़ सोशल स्टार्टिफिकेशन। तो आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ अबाउट सोशल स्टार्टिफिकेशन। मेरे दोस्तों, आप हम सभी लोग सोसाइटी में रहते हैं, वी लिव इन सोसाइटी, वी कांट लिव इन आइसोलेशन, वी लिव इन सोसाइटी विद द पीपल, वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, वी डू इंटरेक्शन विद ईच अदर, एंड वी कांट लिव इन आइसोलेशन सेपरेट फ्रॉम अदर। हम किसी से भी अलग नहीं रह सकते, हम अपनी जीने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा, आप सोसाइटी में अपने आसपास आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सोसाइटी है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से डिवाइड है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सोसाइटी में कुछ लोग जो हैं वो मेल्स हैं, कुछ लोग फीमेल हैं, सोसाइटी में कुछ लोग बहुत रिच हैं, कुछ लोग बहुत पुअर हैं, सोसाइटी में कुछ लोग जो है वो इलेक्शन फाइट करते हैं एज ए MLA, एज ए MP, प्रधान, उप प्रधान, दे आर कैंडिडेट। कुछ लोग जो है वो कैंडिडेट बनते हैं इलेक्शन के टाइम, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोट देते हैं, दे आर वोटर्स। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि सोसाइटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों में डिवाइड है, मेल फीमेल, रिच पुअर, कैंडिडेट, वोटर्स, इन सभी में हमारी सोसाइटी को डिवाइड किया गया है। हमारी सोसाइटी में हमें डिवीज़न देखने को मिलता है, और ये जो डिवीज़न है सोसाइटी का, इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम सोशल स्टार्टिफिकेशन बोलते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले जनरल मीनिंग ऑफ द टर्म सोशल स्टार्टिफिकेशन, कि जो सोशल स्टार्टिफिकेशन है इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म सोशल स्टार्टिफिकेशन। तो मेरे दोस्तों, द टर्म सोशल स्टार्टिफिकेशन, दिस इज मेड अप ऑफ टू टर्म, ये दो टर्म से बनी है। अगर मैं बात करूँ मीनिंग की, तो ये सोशल स्टार्टिफिकेशन है, ये दो टर्म से मिलकर बनी है, एक है सोशल और दूसरी है स्टार्टिफिकेशन। दो टर्म से सोशल स्टार्टिफिकेशन मिलकर बना है, एक है सोशल और दूसरी है स्टार्टिफिकेशन। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सोशल की, आपको सोशोलॉजी में कहीं भी अगर सोशल टर्म देखने को मिलती है, कहीं भी, चाहे वो सोशल कल्चर हो, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो सोशल स्टार्टिफिकेशन हो, कहीं भी अगर आपको सोशल टर्म देखने को मिलती है, तो इसका मतलब सिंपल सा होता है, समथिंग विच इज़ रिलेटेड विद द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी से रिलेट करता हो, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द सोसाइटी। सोशल कहीं भी टर्म आ जाए, उसका मतलब होता है सोसाइटी से रिलेट करने वाला, जो सोसाइटी में हो, जो सोसाइटी से लिंक करता हो, सोसाइटी से उसका कोई ना कोई आपस में संबंध हो, वो होता है सोशल। और स्टार्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, स्टार्टिफिकेशन का मतलब होता है एक तरह से हायरार्की, एक तरह से स्टार्टिफिकेशन में आप ये देखो कि स्टाटा, आपने सुना होगा टर्म स्टाटा, व्हाट इज स्टाटा, स्टाटा क्या होता है, स्टाटा क्या होता है, स्टाटा का मतलब होता है एक तरह से हायरार्की, स्टाटा का मतलब होता है एक तरह से रैंक देना किसी को, रैंक देना, या आप ये भी बोल सकते हो एक तरह से डिवीजन, एक तरह से डिवीजन। तो देखो, मैंने आपको दो टर्म बताई, एक टर्म है सोशल और एक टर्म है स्टार्टिफिकेशन। सोशल का मतलब सिंपल सा क्या है, सोसाइटी से लिंक करने वाला, जो सोसाइटी से डील करता हो, सोसाइटी से उसका कोई लिंक हो। और स्टार्टिफिकेशन का मतलब क्या है, एक तरह से डिवीज़न, एक तरह से रैंक देना, एक तरह से स्टाटा देना, एक तरह से डिवीज़न करना, हायरार्की, किसी की हायरार्की देना किसी को। तो अगर हम इन दोनों टर्म को कम्बिनेशन करें, इन दोनों टर्म को इक्वल कर दें, जमा कर दें इन दोनों टर्म को, तो व्हाट इज़ द टर्म मीनिंग ऑफ टर्म सोशल स्टार्टिफिकेशन। सोशल स्टार्टिफिकेशन सिंपल सा मतलब क्या होता है, सोशल स्टार्टिफिकेशन मीन्स अ स्टार्टिफिकेशन विच टेक्स प्लेस इन सोसाइटी, और अ स्टार्टिफिकेशन इन सोसाइटी, और इन सिंपल टर्म इसका मतलब अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स अ डिवीजन ऑफ
सोसाइटी, इट मीन्स डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्या है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब? सोशल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स अ डिवीज़न, अ स्टेटस, अ स्ट्राटा, अ हायरार्की। इन सिंपल टर्म द टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स अ स्ट्रैटिफिकेशन और डिवीज़न ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जो डिवीज़न है उसको क्या बोला जाता है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोला जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। अगर मैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन की बात करूँ तो वन ऑफ द स्कॉलर हुज नेम इज गिलबर्ट, अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट, एक हमारे स्कॉलर हैं, एक हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं गिलबर्ट, उन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे डिफाइन किया है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। हाउ ही डिफाइन्स द टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? ही सैड द टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स, टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। मेरे दोस्तों, मैंने आपको मीनिंग बता दिया टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कि क्या होता है। अब देखो, आप खुद आपने देखा होगा, आपने स्टडी भी की होगी, आपने पढ़ा भी होगा कि जो सोसाइटी है उसमें डिवीज़न तो होता ही होता है। ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी ओल्ड जो है समय की बात है, काफ़ी एंशियंट टाइम की बात है कि जहाँ भी सोसाइटी है वहाँ पर डिवीज़न होता ही होता है। आप एंशियंट टाइम में जाओ तो हमें पता है हमारी जो सोसाइटी थी वो चार वर्णा में डिवाइड थी, क्षत्रिय, शूद्रा, वैश्या, ब्राह्मीण्स। सुना होगा आपने कि इस हिस्ट्री में जो सोसाइटी थी वो चार वर्णा के ऊपर डिवाइड थी, और ये जो चार वर्णा थे जो जिनमें सोसाइटी डिवाइड थी वो बेसिकली फंक्शनल अप्रोच पे थी, अर्थात लोग फंक्शन क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, उसी के बेस पे पहले सोसाइटी चार वर्णों में डिवाइड थी। ब्राह्मीण का अपना अलग काम होता था, क्षत्रिय का अपना अलग काम होता था, वैश्य और शूद्रास का अपना अपना अलग अलग काम होता था। सोसाइटी को इन वर्णस में डिवाइड किया गया था। लेकिन अब के टाइम पे अगर मैं अभी की बात करूँ तो अब सोसाइटी को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। हम सब कुछ पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, हमारा मीनिंग ख़त्म हो गया, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी गिलबर्ट की। तो अभी मैं आपको बताऊँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स, दैट आर करैक्टरिस्टिक्स। जो टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसकी मेन मेन फीचर्स क्या क्या हैं, उसकी मेन मेन जो थिंग्स हैं जो आपने याद रखनी है, ये अगर आपको पता चल जाएंगे करैक्टरिस्टिक्स, देन टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन इन द एग्जामिनेशन। आपको बहुत ईजी हो जाएगा, आप ये सारे टर्म, ये जो मैं बताऊँगा आप सब कुछ कहीं भी लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में, मीनिंग में, डेफिनेशन में, आप कहीं ना कहीं डाल सकते हो। तो सबसे पहले जो करैक्टरिस्टिक्स है हमारी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, सबसे पहली वो बनती है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज एंशिएंट और इज वेरी ओल्ड। क्या है? इट इज़ वेरी ओल्ड, इट इज़ वेरी एंशिएंट। ये क्या है? ये काफ़ी एंशिएंट है। तो मेरे दोस्तों, अब आप देखो जो टर्म सोशल, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है अर्थात सोसाइटी में जो डिवीज़न है लोगों के बीच, ये एंशिएंट है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो कोई आज या कल शुरू हुआ कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटिफिकेशन एक दो साल पहले शुरू हुआ था सोसाइटी में, नो, द सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है इट इज़ एज ओल्ड एज द सोसाइटी इट्सेल्फ। जितनी सोसाइटी पुरानी है उतना ही जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो भी पुराना है। हमें पता है, मैंने आपको अभी बताया कि पहले जो सोसाइटी थी वो चार वर्णा में डिवाइड थी, अब सोसाइटी डिफरेंट कास्ट में डिवाइड है, क्रीड में डिवाइड है, रिच और पुअर में डिवाइड है, एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले, प्राइवेट जॉब करने वाले में डिवाइड है, और डिफरेंट बेसिस है आर देयर जिनमें सोसाइटी डिवाइड है। अभी तो सोसाइटी डिवाइड है, यस, लेकिन ये अभी डिवाइड नहीं है, इट इज़ एज ओल्ड एज सोसाइटी इटसेल्फ। सोसाइटी जितनी पुरानी है उतना ही पुराना ये कंसेप्ट हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। तो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स क्या बन जाती है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ वेरी वेरी ओल्ड कंसेप्ट, इट इज़ नॉट द न्यू वन कंसेप्ट। सेकंड पॉइंट दैट यू कैन राइट
अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल। देखो आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी इज़ यूनिवर्सल, सोसाइटी यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि सोसाइटी हर जगह एग्जिस्ट करती है। अमेरिका में भी सोसाइटी होगी, इंडिया में भी सोसाइटी होगी, इंग्लैंड में भी सोसाइटी होगी। सोसाइटी हर जगह एग्जिस्ट करती है। जहाँ भी तीन चार लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनमें सोसाइटी बन जाती है। अगर लोगों के बीच सोसाइटी है, अगर सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, तो उनमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी होगा ही होगा। वेयर देयर इज सोसाइटी देयर विल बी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। हमारे इंडिया में सोसाइटी जो है वो डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड है। एज के बेस पे लोगों में डिवीज़न किया गया है, सेक्स के बेस पे लोगों में डिवीज़न किया गया है कि ये मेल हैं, ये फीमेल हैं, ये 50 ये बच्चे हैं, ये बड़े हैं, ये बूढ़े हैं, सोसाइटी को ये रिच हैं, ये पुअर हैं। डिफरेंट बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड किया गया है इंडिया में। इसी तरह अगर मैं अमेरिका में जाऊँ तो वहाँ भी सोसाइटी को किसी न किसी बेस में डिवाइड किया ही होगा। वहाँ पे सोसाइटी को आप बहुत से क्रीड के बेस पे डिवाइड किया जाता है, जैसे ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये जो हैं वो ब्लैक हैं, ये वाइट हैं, और भी डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं। तो जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, सोसाइटी को जो डिवीज़न करने का कंसेप्ट है, ये कोई पर्टिकुलर किसी कंट्री से डील नहीं करता, पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं है। इट इज़ अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। जहाँ भी सोसाइटी होगी वहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा करेगा, एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर कंसेप्ट। सेकेंड थर्ड वन इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज सोशल बाई नेचर, इट इज सोशल बाई नेचर। ये जो कंसेप्ट है ये सोशल बाई नेचर है। सोशल बाई नेचर का मतलब क्या है? सोशल इज समथिंग विच डील्स विद सोसाइटी, जो सोसाइटी से डील करता है। मैंने पहले भी आपको बताया शुरू में कि जहाँ भी टर्म सोशल आ जाए वहाँ आप क्या लिखोगे कि ये सोसाइटी से कहीं ना कहीं लिंक करता है। तो अब आप खुद देखो, जो टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ये स्ट्रैटिफिकेशन भी सोसाइटी के साथ लिंक करता है। सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन होता है, सोसाइटी में लोग डिफरेंट एज के बेस पे डिवाइड होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के बेस पे डिवाइड होते हैं, डिफरेंट सेक्स के बेस पे डिवाइड होते हैं, डिफरेंट जॉब के बेस पे डिवाइड होते हैं, डिफरेंट स्टेटस के बेस पे डिवाइड होते हैं, डिफरेंट रोल के बेस पे डिवाइड होते हैं। सोसाइटी में लोग डिवाइड होते हैं। अगर लोग सोसाइटी में डिवाइड होते हैं, इसका मतलब इट इज़ सोशल बाई नेचर, स्ट्रैटिफिकेशन इज सोशल बाई नेचर। नेक्स्ट पॉइंट जो आप डिस्कस कर सकते हो, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी ऑन वेरियस बेसिस और इट कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, इट कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, इट कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। देखो जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, सोसाइटी में जो स्ट्रैटिफिकेशन है, सोसाइटी में जो डिवीज़न है, सोसाइटी में जो डिफरेंट डिफरेंट तरह से लोगों को डिवाइड किया गया है, वो किसी एक या दो बेसिस पे डिवाइड नहीं किया गया है। हम ये नहीं बोल सकते कि बस सोसाइटी में मेल और फीमेल के बेस पे लोगों को डिवाइड किया गया है। नो, हम ये नहीं कह सकते। सोसाइटी में लोगों को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड किया गया है। सेक्स के बेस पे डिवाइड किया गया है, मेल फीमेल। एज के बेस पे डिवाइड किया गया है, ओल्ड एज, मिडल एज, चाइल्ड। उसके अलावा इलिटरेट इलिटरेट के बेस पे डिवाइड किया गया है। इसके अलावा कास्ट के बेस पे डिवाइड किया गया है। इसके अलावा क्रीड के बेस पे डिवाइड किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, पॉलिटिकल बेसिस, इकोनॉमिक बेसिस, सोशल बेसिस, बायोलॉजिकल बेसिस, कितने बेसिस हो सकते हैं जिनमें जिनके बेस पर सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है, इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी वन और टू फॉर्म्स, बट इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत से फॉर्म्स पे ये एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लिख सकते हो, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज डायनामिक इन नेचर, इट इज डायनामिक। देखो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है, जो सोसाइटी में डिवीज़न होता है लोगों का आपस में एक दूसरे, जो लोगों का डिवीज़न है सोसाइटी में, इट इज़ डायनामिक इन नेचर, ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायनामिक का मतलब होता है चेंज होना, समथिंग विच इज़ चेंजेबल, समथिंग विच चेंज अकॉर्डिंग टू अ टाइम, जो टाइम के साथ बदलता है। अब देखो आप कि जब सोसाइटी हमारी ओल्ड सोसाइटी थी, जब पुराने टाइम पर जो सोसाइटी थी वो चार वर्ना में डिवाइड थी,
लेकिन अब क्या है, अब सोसाइटी में वर्ना सिस्टम वैसा नहीं है, अब कास्ट सिस्टम है सोसाइटी में। सोसाइटी कास्ट के बेस पे डिवाइड है, मतलब पहले वाली जो सोसाइटी थी उसमें जो स्ट्रेटिफिकेशन था वो चेंज होकर अब किसके बेस पे आ गया है, कास्ट के बेस पे। लगातार स्ट्रेटिफिकेशन चेंज हो रहा है, कास्ट के बेस पे अब स्ट्रेटिफिकेशन है, रिच और पुअर के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन है, लिटरेट इलिटरेट के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन है, ये वोट देने वाले हैं और ये वोट लेने वाले हैं इनके बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन है। तो स्ट्रेटिफिकेशन के जो बेसिस हैं वो लगातार चेंज होते जा रहे हैं, ये सेम नहीं है। ओल्ड सोसाइटी में देखोगे आप और न्यू सोसाइटी में देखोगे आप, आपको नंबर ऑफ चेंजेस मिलेंगे। पहले सोसाइटी लिटरेट इलिटरेट में डिवाइड नहीं होती थी क्योंकि मैक्सिमम लोग इलिटरेट होते थे, लेकिन अब कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो सोसाइटी लिटरेट इलिटरेट में डिवाइड हो रही है। आगे आगे टाइम आएगा, क्या पता सोसाइटी टेक्नोलॉजी के बेस पर डिवाइड हो जाए कि ये वो लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है और ये वो लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, या ये वो लोग हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, डिजिटल जो है डिजिटल जो युग है उसमें ये लोग रह रहे हैं, डिजिटल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल थिंग्स का यूज़ कर रहे हैं, और ये लोग हैं जिनको डिजिटल थिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं है। क्या पता सोसाइटी इसमें भी डिवाइड हो जाए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट स्टैटिक नहीं है। जिस बेस पे सोसाइटी ओल्ड एज में डिवाइड होती थी, अभी भी उसी बेस पर डिवाइड होगी, ये बिल्कुल गलत है। नो, अब भी सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड होती है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है, इट इज़ चेंजेबल कंसेप्ट, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। तो मेरे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज़ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, व्हाट इज़ इट्स मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला पार्ट टू, दिस इज पार्ट वन, आई एम राइटिंग हियर, दिस इज पार्ट वन, दिस इज पार्ट वन, एंड इन नेक्स्ट पार्ट, इन पार्ट टू आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मैनी अदर टॉपिक्स वट विल कवर अंडर दिस टॉपिक्स सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आई विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।